कहाँ बीच में ले रहे हो? अभी निकल जाओगे तो पहले से ही एक बड़ी घटना पे खुलासा हुआ है, जिसमें कि जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, वही मास्टरमाइंड निकला है एक अपराध का। इसमें जिस वादी ने अपने ऊपर गोली चलने की कंप्लेन लिखवाई थी, पूरी जांच पड़ताल में यह निकल के आया है कि स्वयं कंप्लेनेंट या वादी ने ही अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर अपने ऊपर जानलेवा हमला कराया था और 3 अन्य व्यक्तियों को उनको इस मुकदमे में झूठा फंसवाया था। इसमें से 2 जो व्यक्ति थे वो लोग पैरवी कर रहे थे जिस मुकदमे में वादी रेप के केस में जेल गया था, और एक अन्य व्यक्ति के साथ में जिसका के नाम लिखवाया था, तालाब के पट्टे का विवाद था। तो इस तरीके से जनपद गोंडा में एक बड़ी घटना जानलेवा हमले की, उसका खुलासा किया गया है थाना उबली बेगमगंज जो टीम है उसके द्वारा। पूर्ण घटना ये थी कि दिनांक 11 मई को शिव कुमार पासवान नामक एक व्यक्ति ने थाना उमरी बेगमगंज पर यह शिकायत दर्ज कराई कि उसके ऊपर गोली चलाई गई है, फायर चलाया गया है, और उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गया था। इस घटना पे तुरंत फॉरेंसिक टीम, सीओ, एडिशनल एसपी सभी पहुंच के इस मौके पर जांच पड़ताल शुरू की गई। प्रथम दृष्टिया ये लग रहा था कि यह घटना पूरी संदिग्ध है, क्योंकि जिनका नामजद किया था वो अपने घरों पर मौजूद मिले। डॉक्टर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो वो जो घटना में वादी बता रहा था उससे डिफरेंट रिपोर्ट हमें मिल रही थी। इसके बाद में स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड इन सबको लगवाया गया एवं घटना का फिर सही खुलासा किया गया। घटना इसमें यह थी कि जो व्यक्ति था शिव कुमार पासवान, उसका विवाद चल रहा था। 2019 में ये एक रेप के दुष्कर्म के मामले में जेल भी गया था, और उस जो मुकदमा था उसकी पैरवी अशोक और प्रदीप नाम के व्यक्ति कर रहे थे, उन दोनों को इसने इसमें नामजद किया था। उसके अलावा इसका विवाद एक ननकू पासवान नामक व्यक्ति से था, तालाब के पट्टी को लेके, उसका भी नाम इस 307 के मुकदमे में उसने नामजद करवा दिया। इस तरीके से ये पूरी अजीब, ये पूरा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, और इसको जब फर्दर सर्विलांस के माध्यम से इसको और जब टटोला गया तो मालूम चला इसके साथ में 5 और लोग थे। एक वहां का कोटेदार है, कोटेदार के द्वारा इस सूचना, ये जो पूरी घटना थी इसको लीड किया गया। एक व्यक्ति दयाराम, उसके द्वारा चाकू से वार किया गया जो शिव कुमार पासवान जो वादी था उसके ऊपर, मौके पर फायरिंग भी की गई। इस तरीके से एक जानलेवा हमला शिव कुमार पासवान पे उसके साथियों के द्वारा ही करवाया गया, और इस घटना में शिव कुमार पासवान की जान भी जा सकती थी जो उसके साथियों ने ही करवाया था। इस तरीके से ये जानलेवा हमला की पूरा डिजाइन करके 3 अन्य लोगों को इसमें नामजद करवा दिया, और इनकी ये पूरी कोशिश थी कि झूठे मुकदमे में ये तीनों लोग चले जाए, जिससे कि जो रेप का मामला है उसमें भी समझौता करा ले, तालाब के पट्टे को भी हासिल कर ले। लेकिन हमारी जो टीम थी एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में, हमारे सीओ साहब, थाना उमली बेगमगंज की टीम, स्वाट टीम, सभी ने सराहनीय कार्य किया है एवं सही जो घटना थी, दूध का दूध पानी का पानी इस घटना में किया है। एवं जनपद गोंडा में ऐसे अन्य भी जो व्यक्ति है झूठी घटनाएं लिखवाते हैं या इस तरीके की घटना का मास्टरमाइंड करते हैं, इन सभी को सही खुलासा करके पकड़ के जेल भेजा जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली इस टीम को 25,000 रुपए इनाम भी घोषणा की गई है।